कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भार्गव ने अपने निज निवास पर प्रेस वार्ता में बताया, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया माननीय कमलनाथ के निर्देशन पर मैं 5 माह से किसान मजदूर संवाद कार्यक्रम यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी व भारतीय जनसेवा संगठन के तत्वाधान में चला रहा था, जो आज संपूर्ण हुआ है। दतिया विधानसभा क्रमांक 22 के आम जनमानस का दर्शन व आशीर्वाद लेने के लिए 28 सितंबर शुक्रवार से जन दर्शन आशीर्वाद यात्रा का चौथा व अंतिम चरण माँ पीताम्बरा के दर्शन आशीर्वाद पश्चात प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। यात्रा 15 दिवसीय रहेगी, जिसमें प्रत्येक सप्ताह सोमवार व मंगलवार का अवकाश होगा। इस यात्रा के माध्यम से शहर गांव गांव के हर घर हर मतदाता को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 11 संकल्पित वचनों को बताया जाएगा। जनमानस से आशीर्वाद लेकर उनको निजात दिलाने के लिए दतिया जिला व विधानसभा में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं के विरोध में गृह मंत्री का घेराव करूंगा। यात्रा का उद्देश्य जनमानस के बीच में जाकर के उनके दर्शन उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, और दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात जो हमारे ज़िले में अव्यवस्थाएँ ध्वस्त कानून व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारा आम जनमानस जो है संघर्ष कर रहा है, उसके खिलाफ मैंने ये तय किया है कि आशीर्वाद लेकर के माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हम घेराव करेंगे और इनसे निजात दिलाने का पूरा प्रयास करवाएंगे। जैसे कि अभी बताया गया है कि अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो इससे क्या गुटबाजी जाहिर हो रही है, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान है? नहीं, ये तो क्या है, टिकट मांगने का अपना अधिकार है, अपने हिसाब से यात्राएं निकाल रहे हैं, और चूँकि उद्देश्य एक ही है, माननीय कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं, जो संकल्पित वचन पत्र हैं, घर घर जाकर के उनको बताया जा रहा है, कांग्रेस के प्रति जागरूक किया जा रहा है, और ये तय है कि मध्य प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि भाजपा ने बहुत धोखा और छल कपट से जो जिस प्रकार से वो अपनी सत्ता हथियाने में कामयाब रहे थे, उसको उन्होंने तय किया है मध्य प्रदेश की जनता ने और दतिया जिले की जनता ने तय कर लिया है कि 2023 में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कब से निकाल रहे हैं यात्रा? ये मेरी 28/9/2023 गुरुवार से प्रारंभ, 10 बजे पीताम्बरा माई के दर्शन आशीर्वाद पश्चात प्रारंभ होगी, और जो 15 दिवसीय यात्रा रहेगी मेरी।